दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी खास होने वाली है जो कि हमेशा टॉप 10 अपकमिंग गेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आने वाले एंड्रॉइड कम्युनिटी में हमें कैसे कैसे गेम्स है वो देखने को मिलेंगे, और वैसे सच बताऊं तो काफी शानदार गेम्स है वो लॉन्च होने वाले हैं। ऑलरेडी मैं सिर्फ उन्हीं गेम्स को कवर करूंगा जिनके बीटा स्टेजेस या फिर गेम प्ले थोड़े बहुत या फिर 100% कंफर्म है कि आपको एंड्रॉइड के ऊपर देखने को मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं गेम्स के बारे में बात होगी। नहीं तो उसके अलावा तो बहुत सारे गेम है जैसे GTA ट्रायलॉजी है, इसके अलावा और भी काफी सारे गेम्स है जिनके सिर्फ र्यूमर्स है लेकिन अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो उन गेम्स के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ वही गेम्स देखने को मिलेंगे जो 100% कंफर्म हो चुके हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं तो अगर एक भी गेम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सबसे पहला गेम आता है उसके गेम का नाम है रेकफेस्ट मोबाइल। ये गेम अभी प्रीस्टी के लिए चल रहा है तो आप जाके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें होने क्या वाला है भाई, आप गाड़ियां देख सकते हो, आपको काफी सारी देखने को मिल रही है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों की टक्कर होगी, मतलब पूरी तबाही वाला सीन होने वाला है ना, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ट्रेलर के में देखोगे तो आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और हो सकता है इसमें आपको ऑनलाइन प्लेयर्स का ऑप्शन देखने को मिले, आप ऑनलाइन प्लेयर के साथ फाइट कर रहे हो भाई, हेड टू हेड फाइट हो रही है कुछ वैसे कंसेप्ट के ऊपर, और टक्कर कर रहे हो एक दूसरे से कुछ ऐसे कंसेप्ट के ऊपर, ये वाला पूरा गेम होने वाला। और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी नो डाउट काफी जबरदस्त होने वाली है, कई कोई एक बड़ी कंपनी की तरफ से ये वाला गेम आने वाला है। तो मेरे को तो इसका ट्रेलर काफी पसंद आया, अभी प्ले स्टोर पे शायद आपको देखने को ना मिले लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप प्ले स्टोर कर सकते हो एप्पल के लिए, और साथ में iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए लॉन्च होने वाला है। तो मैं तो इस गेम के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको कार वाले रेसिंग वाले गेम ऐसे कंसेप्ट वाले गेम कैसे लगते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसमें आपको रेसिंग वाला सीन तो देखने को मिलेगा लेकिन साथ में ऑनलाइन प्लेयर के साथ फाइट वाला कार के अंदर कंसेप्ट देखने को मिलेगा, तो वो काफी जबरदस्त होगा। बाकी आपको गेम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों लिस्ट पे जो मेरा दूसरा गेम आता है उस गेम का नाम है अवतार। ये गेम अभी प्रीस्टी के लिए चल रहा है, वैसे इसका ऑलरेडी बीटा स्टेज में गेम प्ले आ चुका है, आप सबने मोस्टली खेला भी होगा, और काफी शानदार गेम होने वाला है। इसमें आपको तगड़ा एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में एक जो जर्नी देखने को मिलती है वो काफी खूबसूरत जर्नी है, अच्छा खासा एडवेंचर देखने को मिलेगा और बीच में एक्शन देखने को मिलेगा, तो नो डाउट गेम खेलने में काफी मजा आने वाला। आप सभी को याद होगा ये पिक्चर अपनी जो ब्यूटीफुल लोकेशन है, जो इसका VFX है उसके लिए काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी, और गेम में सारा कुछ वैसा ही कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट मूवी का भी ट्रेलर आ चुका है, उसके बाद गेम की भी अनाउंसमेंट हुई थी और इसका ऑलरेडी बीटा स्टेज में एंड्रॉइड के ऊपर आ चुका है जो कि लोगों ने खेला और काफी पसंद भी आया। और ये वाला गेम भी हो सकता है इस साल के एंड से पहले आपको लॉन्च हो जाए, तो आप इसके लिए आके प्रीस्टॉक कर सकते हो। बाकी मेरे को गेम काफी शानदार लगा, बाकी जिनको एडवेंचर और एक्शन वाले गेम पसंद आते हैं, एक अलग जर्नी में जाना चाहते हो ना, तो आपको ये वाला गेम के लिए प्रीस्टॉक जरूर करना चाहिए। बाकी आपको इसका ट्रेलर और गेम प्ले कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा थर्ड नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है रेनबो सिक्स मोबाइल। ये गेम ऑलरेडी आप सभी जानते हो यूबीसॉफ्ट की तरफ से ऑलरेडी पीसी कंसोल्स के ऊपर आ चुका है, और फाइनली इसका मोबाइल वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इसके भी ऑलरेडी बीटा स्टेज के गेम प्ले आ चुके हैं, अगर आपने खेला था तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पे आप इसका ट्रेलर चेकआउट कर सकते हो, बाकी गेम प्ले के बारे में लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी से आपको मैप्स देखने को मिलते हैं, काफी सारी अलग अलग लोकेशन देखने को मिलती है, और जो मेन इसका पर्पस होता है वो होता है जैसे अटैकर्स और डिफेंडर, भले एक टीम अटैक कर रही है दूसरी टीम डिफेंड कर रही है, जैसे मोस्टली आपने सभी गेम्स में देखा जो कि PvP गेम्स होते हैं मोस्टली सभी में यही चीज देखने को मिलती है, तो कुछ वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे को तो गेम ऐसे काफी पसंद है, और ऐसे गेम मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं। आप सभी को याद होगा पबजी का TDM भी कितना ज्यादा पॉपुलर था, हालांकि उसका बैटल रॉयल कंसेप्ट अलग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको PvP मोड देखने को मिलता है, काफी अलग अलग मैप्स देखने को मिलेंगे, वहां पे फाइट करने में मजा आएगा और अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल सकते हो जो कि सबसे बड़ी बात होती है, तभी इस गेम में ज्यादा मजा आता है। बाकी अगर आपने इसका बीटा स्टेज खेला था आपको क्या लगता है अभी क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, हालांकि बीटा स्टेज में स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन जब गेम प्ले स्टोर पे आ जाएगा ऑफिशियल तौर पे तो गेम काफी जबरदस्त होगा। अभी तो प्री स्टेज चल रहा है तो जाके जल्दी से कर लो। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है हैरी पॉटर मैजिक अवेकेंड। गेम पूरे तरीके से आ भी चुका था एक टाइम पे, तो आई थिंक आप बोल सकते हो बीटा स्टेज में काफी लोगों ने इस गेम को खेला था, लेकिन ये गेम अभी तक प्ली स्टेज चल रहा है भाई, प्ले स्टोर पे एक साल पहले बीटा स्टेज आ गया था, लेकिन गेम काफी जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको हैरी पॉटर सीरीज पसंद थी ना भाई, तो ये गेम तो आपको 100% पसंद आएगा, क्योंकि जो सारी हैरी पॉटर की जर्नी थी ना उस गेम में आपको देखने को मिलेगी, कैसे वो मतलब स्कूल में जाता है, उसके बाद कैसे स्टडी होती है, मैजिक सीखता है, गेम्स वगैरह होते हैं, बॉस फाइट होते हैं, कुछ वैसा कंसेप्ट पूरा आपको गेम में देखने को मिलने वाला है जो कि काफी जबरदस्त होगा। और गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी नो डाउट काफी जबरदस्त रखी गई है, मेरे को इसका गेम प्ले काफी पसंद आया था, आप YouTube पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो इस गेम के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है वैलोरेंट मोबाइल। ये गेम अभी प्रीस्टोर में चल रहा है, इसका ऑलरेडी बीटा स्टेज में गेम प्ले आ चुके हैं, आपने YouTube पे देखे होंगे 100%, और गेम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, और गेम काफी पॉपुलर भी होगा क्योंकि पीसी के ऊपर इस लॉकडाउन के आई थिंक ये इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ था वैलोरेंट, काफी सारे स्ट्रीमर्स आए थे, तो अभी गेम काफी पॉपुलर चल रहा है, और अगर ये मोबाइल पे भी आएगा तो ई स्पोर्ट में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा इंडिया में। बाकी वैलोरेंट का
कंसेप्ट वही रहने वाला है, पीवीपी वाला, अटैकर्स और डिफेंडर वाला। और इसमें हर कैरेक्टर की जो है स्पेशल एबिलिटी होती है, हर कैरेक्टर के पास कुछ अलग खास पावर्स होती है जिनको आप गेम प्ले के दौरान यूज कर सकते हो। बाकी आपका गन गेम तो रहेगा ही, लेकिन आपकी एबिलिटीज कुछ ऐसी भी होती है जो कि एनिमी को मारने में हेल्प करती है। तो काफी अच्छे कंसेप्ट के ऊपर वाला गेम है। बाकी यार पीसी पे आई थिंक ऑलरेडी सभी लोग आप खेल रहे होंगे। बाकी जिस जिसने इसका मोबाइल बीटा खेला था वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगा, क्या गेम कैसा होने वाला है। हालांकि उसमें तो अभी ग्राफिक्स क्वालिटी और कंट्रोल्स वगैरह नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भाई जैसे ये ऑफिशियल आ जाएगा तो काफी जबरदस्त गेम होगा। इसके लिए जाके जल्दी से पीएसए कर लो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 6 नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है बैटलफील्ड मोबाइल। ये गेम भी अभी तक पीएसए के लिए चल रहा है, हालांकि इसके बीटा स्टेज कब की आ चुके हैं। आप लोगों ने मोस्टली गेम खेल भी लिया होगा, यहाँ पे आप इसका गेम प्ले भी चेकआउट कर सकते हो। और नो डाउट गेम काफी जबरदस्त था, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस गेम में बहुत ज्यादा कमियां हैं भाई। आई थिंक जब तक ये आप बैटल फील्ड में अपना बैटल रॉयल वाला कंसेप्ट नहीं लेके आएंगे ना भाई, जो कि लेटेस्ट में देखने को मिला था पीसी के ऊपर और कंसोल्स के ऊपर, तो शायद ये वाला गेम इतना ज्यादा पॉपुलर ना हो। इसकी पॉपुलरिटी थोड़ी सी कम जरूर रहेगी, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली सभी लोग बैटल रॉयल कंसेप्ट खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी टीम पीवीपी वाला कंसेप्ट भी मोस्टली देखने को मिलेगा। बाकी ऑलरेडी यार मोस्टली मेरे को लग रहा है सभी लोगों ने इसका बीटा स्टेज खेलिया और काफी लोग को गेम पसंद भी नहीं आया था। बाकी अगर आपने खेला था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी बैटलफील्ड ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, अब सभी को पता है पीसी और कंसोल्स के ऊपर भाई इसके पता ही नहीं कितने मिलियंस यूजर हैं। तो काफी जबरदस्त होगा, मोबाइल पे आएगा, अभी ऑफिशियल तौर पे आ जाए प्ले स्टोर पे, ऑलरेडी प्ले स्टोर तो चल रहा है, जाके जल्दी से कर लेना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा 7th नंबर पर गेम आता है उस गेम का नाम है ब्लेड ऑफ कोड 2। भाई ये गेम अभी प्ले स्टोर में चल रहा है, इसके बीटा स्टेज के कुछ गेम प्ले आए थे और ये गेम कितना जबरदस्त होने वाला है इस बात से आइडिया लगा सकते हो। अगर आपने ब्लेड ऑफ कोड 1 खेला था उसमें क्या ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिली थी हमें, मतलब खेल के मजा आ गया था। एक तगड़ा एक्शन तो था ही, बॉस फाइट देखने को मिलते थे, अलग अलग लोकेशन पे मिशन होते थे, तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें बॉस बैटल्स काफी ज्यादा होने वाले हैं जो कि काफी जबरदस्त, और आपके पास काफी सारे स्किल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। वो अटैक्स के कॉम्बो काफी जबरदस्त लगते हैं। मोस्टली आरपीजी गेम इंडिया में काफी कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे वाले जो आते हैं ना जैसे डार्कनेस राइजेस हो गया, ये ब्लेड ऑफ कोड हो गया, ऐसे गेम हमें जरूर पसंद आते हैं भाई। इसमें आपको अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, तो उनके आप मतलब एबिलिटीज है वो भी चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, तो काफी मस्त कंसेप्ट होने वाला है। अलग कैरेक्टर के साथ एक अलग स्टोरी लाइन पे जा रहे हो तो काफी मजेदार गेम होगा। बाकी ब्लेड ऑफ कोड 2 का बीटा वर्जन किसने खेला और गेम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा 8th पोजीशन पर गेम आता है उस गेम का नाम है द डिवीजन। ये भी गेम प्लेस्टोर के लिए चल रहा है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ना जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और गेम काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, प्लेयर वर्सेस एनिमी वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा, तो नो डाउट एक अच्छा खासा कैंपेन मोड आपको देखने को मिलेगा इस गेम में। हालांकि पीवीपी मोड भी देखने को मिलेंगे, टीम डेथ मैच वाला कंसेप्ट वैसा भी शायद आपको इसमें आगे जाके इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अभी गेम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जितना हो सके गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और अगर अभी जाके आप रजिस्टर करते हो तो आपको कुछ बोनस में भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई आपको इस गेम के लिए रजिस्टर करना है या नहीं। वैसे जो यार ऐसे काफी कम गेम आते हैं, अभी पीसी और कंसोल वाले ना सभी मोबाइल पोर्ट लेके आ रहे हैं, जो कि 100% काफी जबरदस्त होंगे, लेकिन उनको आने में काफी टाइम लग जाता है। ये एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि गेम को मॉडिफाई करने में काफी टाइम लग जाता है, बार बार बीटा स्टेजेस आते हैं, कुछ ऐसा कंसेप्ट रहता है। तो ये भी गेम काफी जबरदस्त होगा, कैंपेन वाला पसंद करते हो शूटिंग गेम, इस गेम के लिए पीसी जरूर करना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा 9th पोजीशन पर गेम आता है उस गेम का नाम है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर। इस गेम के बारे में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा इंडिया में जिसने ना सुना हो, क्योंकि इंडिया का एक अपना बैटल रॉयल वाला कंसेप्ट वाला गेम आने वाला है। वैसे तो यार ज्यादा उम्मीद मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलरेडी 4G के साथ क्या हुआ था, उसमें तो बैटल रॉयल मोड भी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक, भाई लोग कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन वो गेम प्ले भी लोगों को इतना कैंपेन वाला पसंद नहीं आया था, तो देखते हैं भाई इस गेम का क्या बनेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वो आई थिंक 4G से कहीं लाख गुना ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। बाकी आप देख सकते हो इसमें भाई अलग अलग कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, बैटल रॉयल वाला कंसेप्ट तो देखने को मिलेगा, इसके अलावा अलग भी मोड्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं, ट्रेलर के हिसाब से तो बैटल रॉयल मोड मस्त होगा। बाकी आपको क्या लगता है ये गेम खरा उतर पाएगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरी लिस्ट पे जो हमारा 10th पोजीशन पर गेम आता है उस गेम का नाम है सी ऑफ टोन। इस गेम में आपको कैरेक्टर कस्टमाइज आप स्टार्टिंग में देख सकते हो, अच्छी खासी देखने को मिलती है। बाकी अगर मैं गेम की बात करूं तो अगर आपको पायरेट लाइफ जीनी है ना सही मायने में, तो ये वाला बेस्ट गेम होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो आप पायरेट लाइफ जी रहे हो, इसके अलावा आप किस आइलैंड पे ऊपर जाते हो ना तो वहां पे कैरेक्टर मूवमेंट भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरा शिप वाला गेम कंसेप्ट रहने वाला है, लेकिन आप अलग अलग जगह जाके शॉपिंग करते हो, नए नए अपने जहाज वगैरह खरीदते हो, तो काफी जबरदस्त कंसेप्ट लगा मेरे को। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक फाइट चल रही है, तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं, तोप वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो काफी मस्त कंसेप्ट बनाया भाई। जिनको शिप बैटल पसंद है ना, लेकिन एक अलग लेवल पे बिल्कुल पायरेट वाली फीलिंग लेना चाहते हो, तो ये वाला गेम आपको काफी पसंद आएगा। और इसमें हाई क्वालिटी कटसीन भी देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में काफी जबरदस्त है, जो कि स्टोरी मोड को दिखाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप शिप बैटल भी देख सकते हो, आपके सामने गेम प्ले की सारे फुटेज चल रही है, कोई सिनेमेटिक ट्रेलर नहीं है, तो देख सकते हो कितना जबरदस्त है। आई थिंक जितने मैंने लिस्ट में गेम बताया ये मेरा सबसे
फेवरेट गेम होगा, लास्ट पे रखा है, बट फिर भी सारे गेम्स काफी जबरदस्त है, लेकिन ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपके लिए फिर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूं। वैसे कुछ दिनों से काफी रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।